बोकारो में घड़ी और इलेक्ट्रिकल दुकान के शीशा तोड़कर बीती रात अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए के सामान चोरी कर भाग निकले। घटना सिटी थाना क्षेत्र के दूधीबाग स्थित लोहा पट्टी की है। दुकानदार ने बताया कि वह रात में दुकान बंद कर घर चला गया था। जब सुबह दुकान खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। घटना की सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुकानदार के मुताबिक लगभग 50,000 रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। रात को से दुकान बंद करके गए हम, और सुबह दुकान खोलना है तो देख रहे हैं कि हमारा पीछे हार्वेस्टर का वाड़ा हुआ है। दुकान का सामान ले गया है चोर लोग, मिक्सर था, इंडक्शन ले गया है, पंखा ले गया है, 12 वोल्ट का बैटरी था वो ले गया है, करीबन वही 40-45 हज़ार के आसपास का सामान ले गया। हाँ, थाना 100 पर कॉल किए थे तो थाना वाले आए थे, बोले कि आके एगो FIR करवाइए। तो हम बोले ठीक है, थोड़ा देर में जाएंगे। नहीं सर, क्या करेंगे, अब किसी को देखे नहीं तो कैसे बताएं किसी को। पहली बार हुआ है? हाँ, ये पहली बार हुआ है।